नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक टूल्स के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे डेस्क पे आपको ये टूल्स नजर आ रहा है। देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि एक तरह का बायोस सॉकेट है ना। और इस बायोस सॉकेट की आप अगर देखिए बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है ना। और किस किस का सॉकेट है, किस किस बायोस चिप को सपोर्ट करता है, तो वो आपको यहां से भी नजर आ रहा है। ये हमारा WSON 8 को भी सपोर्ट करता है और SOP-8 जो है उसको भी सपोर्ट करता है। तो जैसे कि आज की डेट में आपको ज्यादातर जो बायोस चिप आ रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड साइज है वो आपका क्या है, यही है SOP-8 है ना, 209 MIL। एक ये आपका ज्यादातर आता है, दूसरा आपका WSON आता है, WSON 8, जो कि फ्लैट बायोस होते हैं उसमें आपको 5x6, और एक आता है 8x6 है ना, इस तरह करके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबको ये सपोर्ट करता है। आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे 8x6 का भी ऑप्शन दे रखा है, 6x5 का भी ऑप्शन दे रखा है ना। यहाँ पर मैं आपको इसको इमेज पे दिखाता हूँ, तो इमेज पे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो मैं आपको इमेज पे लेके आता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा वो सॉकेट है। इस सॉकेट में अगर आप गौर से देखेंगे क्या क्या है हमारे लिए, तो देखिए 150 ML को सपोर्ट करेगा। अगर आपका बायोस चिप का साइज 150 ML है तो उसको भी सपोर्ट करेगा। 208 या 209 ML उसको भी सपोर्ट करेगा। 6x5 mm का अगर WSON 8 है उसको भी सपोर्ट करेगा, और 8x6 का WSON उसको भी सपोर्ट करेगा। मतलब एक ही टूल से आपका ये चार के चार बायोस चिप आप प्रोग्राम कर सकते हो, अलग अलग साइज के, चार अलग अलग साइज के बायोस चिप को प्रोग्राम कर सकते हो, है ना। कैसे प्रोग्राम करेंगे उसको देख लिए। बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है ना। आपको अलग अलग सॉकेट रखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सॉकेट आपके पास रहेगा, ये इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा, है ना। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे 150 ML का, तो इसका तो आज की डेट में यूज नहीं होता, लेकिन 209 ML या 208 ML ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। और 8x6 mm और 6x5 mm जो WSON का आता है ये भी एक तरह से स्टैंडर्ड हो चुका है। HP के जो भी आपको इलाइट बुक वगैरह आते हैं, कमर्शियल मॉडल आते हैं, उसमें आपको यही फ्लैट चिप मिलता है जो कि हमारा WSON पैकेज में होता है। तो कैसे हम इसको यूज बनाएंगे, बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है। तो देखिए इसके साथ आता क्या है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपका एक केबल आता है, ये केबल आता है, ये केबल आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे और ये हिस्सा हमारा चले जाएगा प्रोग्रामर पे। प्रोग्रामर कोई भी हो, इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका RT809F हो, चाहे इनिट का बायस प्रोग्रामर हो, चाहे RT809H हो, चाहे SVD4 हो, चाहे CH341 क्यों ना हो, प्रोग्रामर कोई भी हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब पे सपोर्ट करेगा, है ना। मेन बात है हम इसको यूज में कैसे लाएंगे, तो उसको मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए मैं इसको कैसे यूज में लाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको एक केबल को लगा लेना है, ये केबल आप इस तरह लगा लोगे, इसी तरह लगेगा, ये मैंने इसको केबल को लगा लिया, इस पर ये लॉक दे रखा है, तो रिवर्स लगने का चांस ही नहीं है, आप जब भी लगाओगे सीधा सीधा लगाओगे, है ना। और ये हिस्सा जो है ये हमारे प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट होगा, तो मेरा प्रोग्रामर यहाँ पर ये है, मैं फिलहाल आपको RT809F पे ही बता रहा हूँ। तो इस पे मुझे कैसे लगाना है, तो आपको पता है कि ये हमारा पिन नंबर 1 होता है, ये जो पॉइंट्स है मेरा पिन नंबर 1 है। आप अगर देखोगे यहाँ पर मेंशन है, पिन नंबर 1 मेंशन है, आराम से आपने क्या करना है, पिन नंबर 1 के साथ मैच करके इसको लगा देना है ना। तो ये मैंने लीवर को डाउन कर दिया, ये मेरा कनेक्ट हो गया। तो ये आपका हो गया बायस के साथ, बायस प्रोग्रामर के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको बायस की जो चिप है उसको रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास WSON ये SOP-8 वाला एक है, इसको यहां पर ध्यान रखिएगा आप यूज क्या कर रहे हैं, F, अगर F को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पिन नंबर 1 देखना जरूरी है। अगर H है तो पिन नंबर 1 देखने की जरूरत नहीं, कैसे भी लगाओ हर तरह से काम करता है। F है तो आपको पिन नंबर 1 देखना जरूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास जो बायस चिप है, ये मेरा साइज क्या है, 208 ML या फिर 209 ML भी बोलते हैं, कभी कभी इसको 200 ML भी इसको बोला जाता है। तो इसका पिन नंबर 1 आपको देख लेना है, पिन नंबर 1 कहाँ पर है ना, और इसके पिन नंबर 1 पे सेट करना है। तो पिन नंबर 1 मैं देख लेता हूँ,
ये पता चल गया मेरे को पिन नंबर वन इसका कहाँ पर है, इसका पिन नंबर वन यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पर पिन नंबर वन है। तो मैंने देख लिया इस साइड आपका, ये जो साइड है इसका पिन नंबर वन का है, और इसमें जब आप फिट करोगे तो इसमें भी आपको पिन नंबर वन देखना है। तो आपको लगाना कि इसमें इसमें, ये देखिए इसका साइज आपका बड़ा है 209 ml, तो ये इस पे लगाना है। 150 ml होता तो हम इस पे लगाते। और यहाँ पर थोड़ा सा एक आश्चर्य की बात ये भी है यहाँ पर कि इसी सॉकेट में हमारा SOP-8 भी सपोर्ट करेगा और इसी सॉकेट में हमारा WSON भी सपोर्ट करेगा, मतलब अलग से सॉकेट लेने की जरूरत नहीं है WSON के लिए। इसी पे हमारा WSON भी काम करेगा, इसी पे हमारा ये SOP-8 भी वर्क करेगा। तो इस मामले में एक यूनिक डिवाइस है ये, है ना। तो मैं इसको सेट करता हूँ, सेट करते समय फिर से एक बार इमेज पे आता हूँ और आपको समझाता हूँ कैसे आपको इसको करना है। तो देखिए एक बार आप इस इमेज को देखिए, तो जैसे कि मैं चिप को यहाँ पे लगाऊंगा, मैं चिप को यहाँ पर लगाऊंगा, तो अगर आप SOP-8 यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ध्यान रहे पिन नंबर वन हमारा कहाँ सेट होगा, यहाँ पर। और अगर मैं WSON यूज कर रहा हूँ तो आपको ध्यान रहे पिन नंबर मेरा कहाँ पर सेट होगा, यहाँ पर, है ना। SOP-8 में पिन नंबर वन यहाँ सेट होगा, WSON में पिन नंबर वन यहाँ पर सेट होगा। अब ये WSON में कैसे यहाँ पर पिन नंबर वन सेट होगा ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, है ना, कि किस तरह हम यहाँ पर बायस प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अलग ही मेथड आपको मिलेगा बायस प्रोग्राम करने का, आपने उस तरह का मेथड अभी तक नहीं देखा होगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल डिफरेंट मेथड इस टूल के साथ मिलेगा। तो फिलहाल मैं इसका यूज करता हूँ SOP-8 का, पिन नंबर वन यहाँ पर मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इस पर मैं सेट कर दे रहा हूँ पिन नंबर वन को देख करके। ये मैं पिन नंबर वन आपको दिखा भी देता हूँ, ये पिन मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, पिन नंबर वन मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है, है ना। बायस चिप मैंने कर दिया, अब रीड राइट करना है तो जनरल है, जिसको भी बायस प्रोग्राम करना आता है वो तो इजीली रीड राइट कर लेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ RTA जो ना फियरा मेरे पास, इसको मैं कनेक्ट भी कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया, कनेक्ट कर लिया है मैंने इसको। फिर से ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया मेरा, ये मेरा प्रोग्रामर कनेक्ट हो गया, तभी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, सीरियल नंबर आ गया प्रोग्रामर का। अब हमें करना है क्या, स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी की डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस चीज को देखिए। तो देखिए यहाँ पर डिटेक्ट हो गया मेरा, द करंटली सेलेक्टेड W25Q64, मतलब 8 MB का मेरा जो बायस चिप यहाँ पर मैंने लगाया था वो मेरा डिटेक्ट कर गया। और बाकी आपको पता है अगर कुछ है डाटा तो आप रीड करोगे, है ना, कुछ अगर इसके अंदर डाटा है तो आप इसको रीड करोगे, तो इस तरह से रीड हो जाएगा डाटा, है ना। राइट करना है तो राइट करना आपको आता ही है, तो यहाँ पर बायोस प्रोग्रामर कैसे यूज करना वो नहीं मेरे को बताना, इस टूल को कैसे यूज करना वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बिना किसी प्रॉब्लम्स के मेरा डिटेक्ट भी होगा, ये देखिए मेरा रीड भी हो गया, आपको जहां रखना है जिस नाम से रखना आप सेव कर दीजिए, बात खत्म, है ना। अब बात आ जाती है, तो ये तो बहुत इजी तरीके से आप पिन नंबर वन को देख करके आप सेट कर लोगे, पिन नंबर वन यहाँ पर आपको मेंशन है, आपको दिक्कत कुछ नहीं होगा, पिन नंबर वन यहाँ पर मेंशन है। और बायोस का पिन नंबर वन क्या होता है आपको पता ही है कि बायोस में आप जैसे कि इस पे देखोगे जो लिखा है ना विन बॉन्ड लिखा है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है बॉटम लेफ्ट, ये पिन नंबर वन होता है, या फिर एक मार्क भी दिया रहता है, ये सबको पता है, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको WSON कैसे प्रोग्राम करूंगा उसको दिखाता हूँ, तो इसको मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, चले ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर आते हैं WSON चिप, तो WSON चिप में देखिए दो साइज होता है, ये रहा मेरे पास दो साइज का, ये आपके आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दो साइज का WSON चिप है, जिसमें से कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा 8x6 है, ये हमारा 8x6 है, और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा 6x5 का है, या तो बड़ा बोल लो या फिर छोटा बोल लो, जैसा भी समझ में आता है। दोनों कैसे प्रोग्राम होगा वो देखिए आप, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिन नंबर वन इंपॉर्टेंट है, पिन नंबर वन, और यहाँ पर मेंशन भी है पिन नंबर वन, देखिए जरा पिन नंबर वन का ही सारा खेल होता है। देखिए इमेज में देखिए,
अगर SOP-8 मेरे को करना था तो आपने देखा पिन नंबर 1 यहां पर होता, और WSON करना है तो पिन नंबर 1 यहां पर होगा। अब किसी के पास भी जाएगा तो सोचेगा यार पिन नंबर 1 यहां कैसे हो सकता है, पिन नंबर 1 इधर हो ही नहीं सकता ना। पिन नंबर 1 अगर देखोगे या तो इधर मिलेगा, अगर आप सीधा सीधा लगाओगे तो इधर मिलेगा, या ऐसे उल्टा कर दोगे तो पिन नंबर 1 यहां पर 1 2 3 ये वाला होगा। इस साइड पिन नंबर 1 कैसे आएगा, तो यही इसका ट्रिक है ना। तो देखिए इसका मैं पिन नंबर 1 आपको बताता हूं किस तरह आएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देख लीजिए इसको कर लेना है रिवर्स, इसको उल्टा कर लीजिए। इसका जो पिन नंबर 1 है जो मैं देख पा रहा हूं, इसका पिन नंबर 1 इधर है, इसका पिन नंबर 1 इधर है। तो इसको मैंने ये मार्क यहां पर दे रखा है, पिन नंबर 1 इसका ये है, तो मैं इसको उल्टा करूंगा। ये मैंने इसको कर लिया उल्टा, ये उल्टा करके इसको लगाना है। बस आपको ध्यान रखना है इसको रिवर्स कर लेना है, इसको आप इस तरह रिवर्स कर लोगे तो मैं जैसे लगा रहा हूं, और इसको आपको ध्यान रखना है छोटा वाला है तो इस पे लगेगा। इसको क्या करना है, WSON का दे रखा है कि किस साइड लगाना है, इस साइड लगाना है। इसको जब भी आप लगाओगे ना तो ये उल्टा करके लगाना है, ध्यान रखना है आपको, ये आपको इस तरह लगाना है। ये अपने आप में यूनिक है, अब तक जो भी बायस प्रोग्रामर आपने यूज किया होगा उसमें चिप को आप सीधा रखते थे, लेकिन इसमें आपको क्या रखना है, उल्टा रखना है ना। इस तरह करके आप उल्टा रखोगे, ये ध्यान रखना। देखिए मैंने कैसे रखा है, मतलब जो हमारा ये होता था ना कि जब भी हमें इसको प्रोग्राम करना होता तो हम इस तरह रख सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं रखना है, आपने इसको क्या करना है ऐसे उल्टा करके फिर इसके ऊपर डालना है ना। अब इसमें आपको भी माइंड में आ रहा होगा यार ये इस तरह का सॉकेट तो मेरे पास पहले से ही है, तो मैं क्यों ना इसको उल्टा करके प्रोग्राम कर रहा था इतने दिन तक, अलग अलग तरह के WSON के लिए सॉकेट क्यों परचेज कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा वो सॉकेट अलग है, ये सॉकेट अलग है, ये जो सॉकेट देख रहे हो स्पेशल सॉकेट है, इस पे WSON सपोर्ट करेगा, और पहले से जो आपके पास जो सॉकेट आता है ना इस तरह का, उस पे WSON आपका कॉन्टेक्ट नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, अभी मैं देखता हूं कनेक्टिविटी ये मेरा रीड करता है कि नहीं करता है। चलिए देखें यहां पर स्मार्ट आइडेंटिफाई करता हूं मैं, यहां पर देखिए मेरा डिटेक्ट हो गया, ये यहां पर डिटेक्ट कर गया द करंटली सेलेक्टेड W25Q128, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। ये कितना है मेरा 16 MB का देख रहे हैं, ये बायस चिप मेरा यहां पर सेलेक्ट हो गया। आपको अगर डाटा है तो रीड कर लो, राइट करना है तो राइट कर लो, इजिली आपका रीड राइट हो जाएगा। बस यही यहां पर ट्रिक था कि आपको इसको क्या करना है, उल्टा करके यहां पर लगाना है ना। मैं आपको दूसरा भी दिखा रहा हूं, ये तो मेरा 6x5 साइज है, मैं आपको 8x6 भी बता रहा हूं ये कैसे आप करोगे। देखिए ये यहां पर मेरा रीड हो गया, आपको कोई डाटा राइट करना है तो डाटा राइट भी कर सकते हो 16 MB का कोई भी। देखिए अभी तो फिलहाल तो चिप एम्प्टी है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डाटा राइट भी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ओपन करता हूँ, डाटा मेरे पास 16 MB का है ना, ये 16 MB का है, तो एक सेकंड, ये आपका क्या था चिप आईडी में लिया था 128, मतलब 16 MB का है। मैं डाटा यहाँ पर राइट करके दिखाता हूँ आपको, डाटा राइट करने के लिए ये देखिए 16 MB का कोई डाटा ले लेता हूँ मैं, ये रहा 16 MB का डाटा है। ओपन करेंगे और राइट कर क्लिक कर देंगे, ये पहले आपका इरेज होगा, उसके बाद राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप प्रोग्राम करते तो ऐसे ही प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करने में कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस ये टूल कैसे यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, है ना। और बहुत बढ़िया टूल है। फिर बात आ जाएगी कॉस्टिंग की, तो आपको पता है वीडियो में मैं कॉस्टिंग नहीं बताता, आप मेरे से कमेंट में भी पूछोगे कि प्राइस क्या है तो मैं बताने वाला नहीं हूं, मैं प्राइस को पब्लिकली नहीं बताता। अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 8010708080 उस पर मैसेज कर लीजिए, प्राइस बता दूंगा, है ना। कमेंट्स में आप पूछोगे क्या प्राइस है तो वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो बताता भी नहीं। अब आपको वीडियो यूजलेस लगे तो यूजलेस ही सही, मैं अपने हिसाब से कोई भी काम करता हूं, किसी और के हिसाब से तो नहीं कर सकता ना। तो प्राइस आपको अगर जानना हो इसका, वीडियो में नहीं पता चलेगा आपको इसका प्राइस, आप व्हाट्सएप में करिए, रात को 1 बजे भी इसका प्राइस बताऊंगा मैं आपको।
तो देखिये यहाँ पर राइट हमारा सक्सेसफुल हो गया, इजी तरीके से मेरा राइट सक्सेसफुल हो गया। अभी मेरा वेरीफाई भी हो गया, तो कुल मिला के देखिए रीड राइट में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसको हटाता हूं, इसका काम हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं। अब मेरे को ये लगाना है, है ना, इसको भी जब आप लगाएंगे एक नंबर आप देख लीजिएगा आपका एक नंबर कहाँ आता है और उस हिसाब से इसको रिवर्स कर लीजिएगा। इसको आपको उल्टा लगाना है, तो देखिए ये मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया है। अब हम देखते हैं इसको, देखिए डिटेक्ट कर गया, कुछ नहीं है कनेक्शन में, इजीली मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, मेरा डिटेक्ट हो गया। और ये कितना डिटेक्ट हुआ, 32 MB, ये 256 मेगाबिट्स का मतलब 32 MB है ना, डाटा इसमें है नहीं। अगर मैं राइट करने के लिए जाऊं तो मैं डाटा ओपन करता हूं, देखिए मैं आपको 32 MB का डाटा राइट करके दिखाता हूं, बसरते मेरे पास हो कोई 32 MB का। तो ये रहा, जैसे कि देखिए 32 MB का है, लाइट कुक का 830G5 है ना, ओपन किया और इसको मैं क्या करूंगा राइट, ये राइट करूंगा, ये राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक मैसेज दे रहा है, दिस टाइप ऑफ चिप कैपेसिटी बिग, भाई कैपेसिटी बिग है, 32 MB का है ये बायोस, तो 32 MB का है, थोड़ा सा इरेज करने में टाइम लेगा, उसके बाद ये राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अगर पहले से इसमें डेटा होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा इरेज होगा, तो इरेज होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके बाद राइट हो गया। और राइट हुआ कि नहीं हुआ सक्सेसफुली डाटा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं इसमें, देखिए। तो इस टूल को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई WSON चिप को आप यूज कर रहे हो तो इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बता रखा है कि कहाँ यूज कर रहे हैं, और इसको उल्टा रखना है आपको, सीधा नहीं रखना है, है ना। और कोई SOP-8 यूज कर रहे हो तो उसको सीधा सीधा आप रखोगे, है ना, मतलब ये ध्यान रखना है कि WSON में जो इसका जो फ्रंट साइड होता है वो बॉटम में आ जाएगा, जो बॉटम साइड होता है वो टॉप में आ जाएगा, जबकि SOP-8 में क्या होता है कि जो आपका टॉप साइड है टॉप में ही रहेगा, बॉटम साइड बॉटम में ही रहेगा, है ना। तो इस तरह करके आप इसको करोगे, अभी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है, हो सकता है चिप चिप का इशू हो, है ना, या फिर मैं हिला रहा हूं तो इस वजह से हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से एक बार राइट लगा लेता हूं मैं राइट, है ना। तो देखिये इस तरह से क्या हो जाता है, आपकी राइटिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो कुल मिला के यही वो चिप, इसके बारे में मेरे को बताना था। बाद बाकी देखिए यहाँ पर राइट सक्सेसफुल आ चुका है, बस ये ध्यान रखना है कि जब आप राइट कर रहे हो उस समय हिलाना डोलाना नहीं है आपको, है ना, ये तो कॉमन चीज है, है ना। तो ये हमारा राइट सक्सेसफुल हो चुका है, जो भी इसके बारे में डिटेल्स देना था मैंने डिटेल्स दे दिया। और यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, इजिली मेरा इस डिवाइस के जरिए मैं जो भी आपको बायस चिप का कैटेगरी मैंने बताया वो हम इजिली रीड राइट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टूल्स है ना, बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है ना, और अच्छा बेस है ना, आराम से इसको आप यूज करके इसका यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह में फ्लैट बायस जो होता है WSON के उसको राइट करना है, और किस तरह आपका जो स्टैंडर्ड बायस चिप होता है SOP-8 उसको राइट करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।